बैटरी पता हटा है। तो दोस्तों आज के जो हम लोग टॉपिक में समझने वाले हैं, आज हमारे पास जो एक मोबाइल फोन है, रेडमी का मोबाइल फोन है। कौन सा मोबाइल फोन है? रेडमी का, रेडमी का वाई वन मोबाइल फोन है। इस वाई वन मोबाइल फोन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर एम आई अकाउंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एम आई अकाउंट लगा हुआ है। जब मोबाइल फोन के अंदर एम आई अकाउंट लगा हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस एम आई अकाउंट को हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, एम आई अकाउंट को तोड़ना पड़ेगा। जब एम आई अकाउंट टूटेगा तभी हमारा मोबाइल फोन सही तरीके से चलेगा। अगर एम आई अकाउंट नहीं टूटेगा तो हमारा मोबाइल फोन प्रॉपर तरीके से नहीं चलने वाला है। तो उस कंडीशन पर हम लोग क्या करेंगे, एम आई अकाउंट को कैसे हटाएंगे, एम आई अकाउंट को रिमूव कैसे किया जाएगा? तो आज हमारे साथ में एक हमारे स्टूडेंट है आयुष जी, और इनका सॉफ्टवेयर में पहली बात तो क्या है कि अच्छा कमांड है, बहुत अच्छा समझा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि आज इस मोबाइल फोन को एम आई अकाउंट को रिमूव करके दिखाएंगे, उसका तरीका बताएंगे और सब पूरा प्रैक्टिकल पूरा आपको समझाएंगे। तो ये मेरे पास रेडमी का मोबाइल फोन है। इस तरीके से आप रेडमी का कोई भी मोबाइल फोन आता है, बात इसी की नहीं होती, कोई भी मोबाइल फोन, किसी भी तरीके का मोबाइल फोन आता है, तो उस मोबाइल फोन में आप उस एम आई अकाउंट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। देखिए ऐसा लॉक बन करके आ रहा है, इस तरीके का जब लॉक बंद करके आता है तो ऐसे लॉक को हम लोग एम आई अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम आई अकाउंट बोलते हैं। तो इस एम आई अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। उसका तरीका पहली बात तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये देखो ऐसा एक्टिवेशन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। हम लोग इसको यहाँ पर कहीं स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अगर स्किप का ऑप्शन आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ठीक है सर, आप इसको पूरा तोड़ के बताइए, पूरा तरीका समझाइए। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर करने के लिए किसी भी फोन का पोर्ट बनाना होता है, यानी कि सबसे पहले किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर करना हो, चाहे एफआरपी करना हो, चाहे एमआई अकाउंट का हटाना हो, चाहे फ्लैशिंग करना हो, सबसे पहले हमें फोन को कनेक्ट कराना होता है पीसी से, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं पोर्ट बनाना। तो हम पोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस फोन को स्विच ऑफ करेंगे। अगर ये स्विच ऑफ हो रहा है तो ये स्विच ऑफ नहीं होता है, तो हम सीधा बैटरी हटाएंगे, फिर बैटरी का पत्ता फिर से लगा देंगे। उसके बाद अब हम पोर्ट बनाएंगे, क्योंकि ये क्वालकॉम का सीपीयू है तो ये बूट की से कनेक्ट नहीं होगा। तो सर जैसे ये पता, आपको कैसे पता चला कि ये मोबाइल फोन के अंदर क्वालकॉम का सीपीयू है? ये कैसे क्वालकॉम का सीपीयू इसलिए है क्योंकि कस्टमर आया था ये हमारे पास, इसने बताया सर ये रेडमी का वाई वन मोबाइल है। हाँ, तो हमने वाई वन को सबसे पहले जाके गूगल पे सर्च किया। हाँ, वहाँ पे हमने, आप गूगल पे सर्च करके बता दीजिए ताकि हमारे साथ साथ जितने और भी लोग जुड़े हैं सबको पता चल जाए। और बिल्कुल जो ये जो कह रहे हैं बिल्कुल काम करने का यही तरीका होता है कि आपके पास अगर कोई भी मोबाइल फोन आता है तो सबसे पहली बात उस मोबाइल फोन का चिपसेट पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग जितनी टोटली बेस्ड है वो 90% चिपसेट बेस्ड है। क्या है? चिपसेट बेस्ड है। तो हमको चिपसेट पता होना बहुत जरूरी होता है। जैसे ये कस्टमर आया था, इसको तो मॉडल पता था, वो नहीं पता होता है तो उसका अलग प्रोसेस रहता है, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले सर्च किया रेडमी वाई वन लाइट, और इसके आगे लिख देंगे GSM अरीना, और इसको सर्च करेंगे, एंटर मारेंगे। जो पहला पेज आया है जैसे GSM अरीना का दिखा रहा है, Xiaomi रेडमी वाई वन लाइट, इसको ओपन करेंगे। पेज ओपन होने के बाद हम इसके चिपसेट और चिपसेट सेक्शन में जाएंगे। सबसे पहले ये फोन खुल गया है, फोन वेरीफाई कर लिया फोटो देख के कि हाँ यही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको इसके चिपसेट सेक्शन में जाएंगे। ये रहा वो प्लेटफॉर्म OS चिपसेट। ये देखिए जो चिपसेट लिखा है ना, यहाँ पर क्वालकॉम लिखा हुआ है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 28 NM। तो ये हमको ये पता चल गया कि इसके अंदर क्वालकॉम चिपसेट लगा है। सबसे पहले आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, आप इसी तरीके से पहले मोबाइल फोन को ये फाइंड करें कि उसके अंदर सीपीयू कौन सा लगा है, क्योंकि सीपीयू लगने से आपकी ये दिमाग खुलता है, आपकी विचारधारा खुलती है, आपका दिमाग ये कहता है कि हमको आगे करना क्या है, हमको आगे करना क्या है। ठीक है सर, आगे बताइए आप। अब हमने पता कर लिया है क्वालकॉम का है, तो इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि इसमें बूट की होने की संभावना बहुत ही कम है, इसमें एडीएल पॉइंट ही होगा। अब हम इसके एडीएल पॉइंट ढूंढेंगे। फिर से हमें वही प्रक्रिया करनी है, गूगल खोलना है फिर से। बताइए कैसे खोलेंगे, एडीएल पॉइंट कैसे पता करेंगे? न्यू टैब खोल लिया, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें डिवाइस का मॉडल नंबर डालना है, रेडमी
वाई वन लाइट ईडीएल पॉइंट। फिर इसका इमेज सेक्शन खोल लेना है गूगल का। ये पहली फोटो आ रही है जिसमें एरो वगन के लगा होता है। एक दो फोटो और चेक कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल वेरिफिकेशन के लिए चेक कर सकते हैं के लिए। जैसे इसमें भी दो बता रहा है, इसमें भी दो बता रहा है, तो कोई भी एक खोल लो। ये दो पॉइंट बता रहा है, दो पॉइंट सॉर्ट करेंगे तो ईडीएल कनेक्ट हो जाएगा, ईडीएल कनेक्ट हो जाएगा। इससे हमें ये वेरीफाई होगा। और दूसरी फोटो भी देख लेते हैं, इससे वेरीफाई हो जाए पहले वाला सच बता रहा है कि नहीं। दो तीन फोटो में अगर ऐसा ही हुआ तो समझो वो सही बता रहा है, फिर इसको काट देंगे। अब हमें पोर्ट बनाना है सबसे पहले। और पोर्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, डिवाइस को कनेक्ट कराना होता है पीसी से। तो डिवाइस पीसी से कनेक्ट होता है ये पता हो गया है कि नहीं हो गया, ये पता चलता है डिवाइस मैनेजर में। तो सबसे पहले हम खोलेंगे इस पीसी का डिवाइस मैनेजर। इसके लिए हम दिस पीसी में जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे सिंगल क्लिक, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और इसमें दिख रहा है आपको ये मैनेज, मैनेज को खोल लेंगे। मैनेज खोलने के बाद इसमें हमको खोलना है डिवाइस मैनेजर। जो भी पोर्ट बनता है वो डिवाइस मैनेजर में ही दिखाता है। डिवाइस मैनेजर दिखाती है ये इतनी चीजें इससे कनेक्ट है इस पीसी से, जितने भी ड्राइवर है वगैरह जो भी है वो इसमें सब दिखाता रहता है। अब हम फोन जो कनेक्ट कराएंगे वो भी इसी में दिखाएगा। तो हमें ये पहले वाले से स्टेप से ये कन्फर्म हो गया था कि इसमें ईडीएल पॉइंट है, तो हम ईडीएल पॉइंट भी पता चल गए कौन से है। अब हमें इस फोन को कनेक्ट कराना है। ये दो ईडीएल पॉइंट बताए थे, एक इस पे टच किया, एक इस पे टच किया। ये लहर सी चली और एक टिन की साउंड आई, इसका मतलब है पोर्ट बन गया। अब पहले ये ऑप्शन नहीं आ रहा था पोर्ट्स कॉम का, अब ये पोर्ट्स एंड कॉम का ऑप्शन आ गया। इसको कंफर्म ओपन कर लेंगे नीचे करके, स्क्रॉल डाउन करके, तो इसमें लिख के आ रहा क्वालकॉम ही, यानी कि ये बताना चाहता है कि कोई क्वालकॉम का कोई भी डिवाइस इस फोन इस पीसी से कनेक्ट हुआ है। आप देखिए जब यहाँ पर क्वालकॉम का डिवाइस कनेक्ट हुआ था, यहाँ पर लिख क्या रहा है क्वालकॉम एचएसक्यू लोडर 9008 कॉम 3, मतलब मोबाइल फोन प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बन गया था या येलो कलर का ट्रायंगल बन कर गया था तो समझ जाएंगे कि आपके सिस्टम के अंदर प्रॉपर तरीके से ड्राइवर कनेक्ट नहीं है। लेकिन हमारा प्रॉपर तरीके ड्राइवर कनेक्ट है, बढ़िया फर्स्ट क्लास कनेक्ट है, मोबाइल फोन कनेक्ट है। ठीक है, आप इसको मिनिमाइज करेंगे हम लोग। अब हम लोग अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे जिसके माध्यम से इसको अनलॉक करने वाले हैं। तो आज हम लोग इसको यूएमटी के माध्यम से अनलॉक करने वाले हैं। तो यूएमटी के माध्यम से कैसे इसको हटाएंगे आप बताइए, जरा आगे बताइए। इससे पहले हमने इसका ये सीपीयू पता किया था, क्वालकॉम का था, क्वालकॉम का था। अब हमें क्या करना है, जो क्वालकॉम का सीपीयू होगा वो क्वालकॉम के ऐप से खोलेगा, मीडियाटेक का सीपीयू होगा तो मीडियाटेक के ऐप से उसका काम होगा। तो हमें पहले वाले स्टेप से पता चला था इसमें क्वालकॉम है, तो हमें अब क्वालकॉम का ऐप खोलना है, यूएमटी का क्वालकॉम वाला ऐप। और UMT में जो क्वालकॉम का ऐप आता है उसको बोलते हैं क्यूसी फायर। अब इसमें हम ढूंढेंगे क्यूसी फायर कहाँ पे है, ये देखिए ये रहा, इसको ओपन कर लेंगे, परमिशन को यस कर देंगे। जैसे हम यस करेंगे तो हमारे स्क्रीन में सॉफ्टवेयर ओपन होगा। सॉफ्टवेयर सर्वर बेस्ड होता है, उसको 1 मिनट 30 सेकंड 5 सेकंड का समय लगता है, तो हम लोग वेट करेंगे। हम यहाँ पर वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर जब स्क्रीन पे ओपन होगा, जब ओपन हो जाएगा तभी हमारे मोबाइल फोन का लॉक खुल जाएगा। जब अगर इस मोबाइल फोन को अगर लॉक खुल जाएगा तो बिल्कुल आयुष जी के लिए एक बहुत अच्छी क्लैपिंग होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से फिर हम आप लोग भी एक एक करके और भी जो मोबाइल फोन आएंगे, तो आप लोग जिस तरीके से आप सीख चुके हैं अच्छे से मेहनत करेंगे, तो हम आप एक एक करके वीडियो डालेंगे ताकि ये क्वालकॉम का ऐप खुल गया है। ये क्वालकॉम का ऐप खुल गया है क्यूसी फायर। अब इसमें हमें इसमें प्रॉब्लम क्या थी, MI अकाउंट की। MI अकाउंट हटाने के लिए क्वालकॉम क्यूसी फायर ऐप में एक ऑप्शन आता है Xiaomi स्पेशल, केवल MI अकाउंट के लिए होता है ये। Xiaomi स्पेशल में जाएंगे, Xiaomi स्पेशल में अब हमें दिखेगा रीसेट MI अकाउंट। रीसेट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे RST, RST का मतलब रीसेट MI अकाउंट। हमें यारी प्रॉब्लम भी MI अकाउंट की थी, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे।
पोर्ट बन चुका है। जैसे हमें क्लिक करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। जब सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर चलेगा। यहाँ पर देखिए कॉम थ्री लिख के आया, कॉम थ्री लिख के आने का मतलब हमारा फोन ही कनेक्ट हुआ है, ये सॉफ्टवेयर हमारा पूरा चालू हो गया है। जब हमारा सॉफ्टवेयर चालू हो गया तो सॉफ्टवेयर चालू होने के बाद पूरा स्क्रीन में चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखा, इसको बोलते हैं हम लोग समरी। क्या बोलते हैं? समरी। ये सारा सॉफ्टवेयर चल गया, इसके अंदर 16 GB का MMC लगा है, पूरा चल रहा है, ओके ओके, रीडिंग डाटा। अभी यहाँ पर हम लोग कोई कंप्यूटर के अंदर कोई हलचल नहीं करते, कोई मूवमेंट नहीं करते, सिर्फ बैठे देखते रहते हैं। अब ये सारा कमाल सॉफ्टवेयर का है, सॉफ्टवेयर अपने मन से सारा काम करेगा, आप सिर्फ देखते रहिए। ये इसकी रीडिंग डाटा को लेगा, रीडिंग डाटा के बाद खाली करेगा, खाली करने वाले अकाउंट को रिमूव कर देगा और आपका मोबाइल फोन डन हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग वेट करेंगे। और भी जितने सारे लोग हैं जो आप लोगों ने सब चीज़ों के बारे में सीखा हुआ है, इसी तरीके से आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपके पास कोई भी काम आए तो आपका ये दिमाग ये खुल सके कि आप कहते नहीं कि हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम काम करने में ये आती है कि हमको करना क्या है, तो ये परेशानी हमारे दूर होनी चाहिए। ये हमारी परेशानी तभी दूर हो जाएगी जब हम इसको कई बार कर चुके होंगे। क्या कर चुके होंगे? अभी देखा यहाँ पर फैचिंग डाटा का ऑप्शन चला है, हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पर मोबाइल फोन को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जब डाटा डन हो जाता है फोन हटा देते हैं, इस समय पर मोबाइल फोन हमारा डेड हो जाता है। डेड होने का रिस्क होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर को आपने पूरा होने नहीं दिया, बीच में रोक दिया। सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करते समय हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि हमारे डाटा की हेल्दी नहीं चाहिए, डाटा केवल ओरिजिनल यूज करेंगे, जब भी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो हमारा कंप्यूटर हैंग नहीं होना चाहिए, इसीलिए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग अच्छी और बेहतर होनी चाहिए। जो उसने डाटा को पहले रीड लिया था उसी डाटा को दोबारा डालना है। डाटा डालने के बाद डाटा को राइटिंग हो गई, डाटा डन हो गया। अभी भी हम लोग वेट करेंगे जब तक पूरा हमारा डन लिख करके सक्सेस लिख करके नहीं आ जाएगा। ये जो ऊपर एंड्रॉइड वर्जन QC5 9.0 लिखा है वो नीचे 9.0 लिख करके आ जाएगा। जब ये लिख करके आएगा तभी पूरा डन और क्लियर होगा। ये एक हमारा एक बेहतर सॉफ्टवेयर है UMT, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे ऑल ओवर इंडिया चलता है। सभी लोग इस मोबाइल फोन में अनलॉकिंग करते हैं, फ्लैशिंग करते हैं, MI अकाउंट, सब बहुत चीज़ों को आसानी की तरह से हटा सकते हैं। आपको सिर्फ इसको अच्छी तरीके से चलाना सीखना है। और इसके पीछे जो बैक हैंड का प्रोसीजर है, टूल है। क्या है? टूल है। लेकिन बैक हैंड में जो प्रोसेस में काम करता है वो इसके ड्राइवर हैं, इसके सॉफ्टवेयर हैं, इसका बूट की है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट लोग हैं जो लोग सीख रहे हैं, देखिए MI अकाउंट, इसमें से ये मोबाइल फोन नंबर लगा था, उसने से रीसेट कर दिया, अभी फिनिश हो गया, अभी वेट करेंगे। देखो QC5 version 9.0 लिख करके आ गया कि नहीं आ गया? ओके हो गया, डन हो गया, हमारा मोबाइल फोन दोबारा चालू हो गया। जब मोबाइल फोन चालू हो जाएगा तो जो MI अकाउंट का ऑप्शन आ रहा था वहां पर स्किप का ऑप्शन हो जाएगा। अभी भी इसके अंदर हो सकता है कि FRP लगाओ, क्यों FRP लगाओ? क्योंकि हमने MI अकाउंट को हटाया है, FRP को तो हटाया नहीं। तो अब क्या होगा, जब मोबाइल फोन पूरा चलेगा, मोबाइल फोन चलने के बाद आगे ऑप्शन आएगा, तभी हम लोग देखेंगे MI अकाउंट रिमूव हुआ कि नहीं रिमूव हुआ। अभी चार्जिंग बता रहा, अब इस मोबाइल फोन को ऑन करिए, डाटा केबल हटा दीजिए, बैटरी को हटा के दोबारा लगाइए, ऑन करिए। मोबाइल फोन को ऑन करेंगे, जो हमारा मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा फिर से पूरा प्रोसेस आएगा। सॉफ्टवेयर करते समय जितने भी छोटी छोटी बातें होती हैं सभी बातों का ध्यान रखें और उसके जो स्टेप होते हैं वो स्टेप को सही तरीके से फॉलो करें। अगर आप स्टेप को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो सॉफ्टवेयर करना कोई कठिन काम नहीं है, बस खाली इसको एक बार अच्छे से सीखना होता है, इसका जो प्रोसेस होता है वो अपने दिमाग के अंदर बिठाना होता है। MI अकाउंट को आप YouTube में देखकर वीडियो देखकर बाईपास भी नहीं कर सकते। कोई भी YouTube में ऐसा वीडियो नहीं है कि जो MI अकाउंट को बाईपास करके, बहुत सारा वीडियो पड़ा है। खुल गया, आप इसकी स्क्रीन ओपन करिए, ये देखिए स्क्रीन ओपन हो गई, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन के अंदर जो MI अकाउंट लगा था, इस MI अकाउंट को हम लोगों ने आसानी के साथ में रिमूव कर दिया है। तो आयुष जी आप बताइए, आपने जो इतनी भी सारी चीजों को सीखा है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या सारे काम कर लेते हैं, और सॉफ्टवेयर में आपने मोबाइल फोन के MMC को प्रोग्राम करके मोबाइल फोन को चालू भी किया हुआ है, आज आपने MI अकाउंट को भी हटाया है, और सॉफ्टवेयर में आप क्या क्या सारे काम कर सकते हैं वो थोड़ा सा बताइए ताकि और भी लोग हैं उन लोगों को पता चले
और जो आपके जूनियर बैच के जो बच्चे हैं उनको भी इसका तरीका कॉन्सेप्ट पता चले। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले बेसिक की शुरुआत होती है, बेसिक बताया जाता है कैसे फोन को चेक करना है, फोन का मॉडल कौन सा है वो सीखो, और फोन में सीपीयू किस प्रकार के होते हैं वो पहचानना सीखते हैं। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम आती हैं, जैसे कि फोन लोगों पे हैंग हो गया है, बंद चालू हो रहा है, इनका सॉल्यूशन, फोन खुल रहा है फिर बंद हो रहा है उसका सॉल्यूशन, फोन लॉक हो गया है उसका सॉल्यूशन, और जैसे ये MI अकाउंट लग गया है जो FRP से अलग होता है उसका सॉल्यूशन, फोन में गूगल अकाउंट लॉक लग जाए, FRP लॉक जाए उसका सॉल्यूशन, और फोन सॉफ्टवेयर करते हुए डेड हो जाए उसका भी सॉल्यूशन, ये प्रोग्रामिंग से होता है, ये सब मैंने यहाँ पे आके सीखा है। तो इससे पहले आप सॉफ्टवेयर का काम करते थे कि नहीं करते थे? नहीं, मुझे सॉफ्टवेयर का कुछ भी आइडिया नहीं था, सॉफ्टवेयर में तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, यहीं पे आके सॉफ्टवेयर का तो सारा सीखा है यहीं पे आके। तो आप हम लोगों से संतुष्ट है, जितनी भी सारी चीजें जो सीखी गई हैं, जो सिखाई गई हैं, वो आपको सारा सब कुछ समझ में आया अच्छे से? जी सर, बिल्कुल समझ में आया, और मैं दूसरों को भी रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हैं या हार्डवेयर का भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए, एक्सपीरियंस करिए और सीख के जाइए। आप जितने भी सारे लोग हैं, जो सभी लोग इस बैच के, मैंने आप लोगों को बिठाया हुआ कि आप सभी लोग सॉफ्टवेयर के बच्चे हैं, सभी लोग आप लोग सॉफ्टवेयर सीख चुके हैं, जिसमें से कुछ लोगों का सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो आप लोगों को सॉफ्टवेयर सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो आज आपने काम देखा आपके सामने हुआ, अगर आप अपने घर पे जाएंगे तो ऐसे काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको आपको कई बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज होती है कि ये समझ लीजिए एक जादू की तरह, इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर फंक्शन बिल्कुल दिमाग के अंदर रट जाएंगे, हमको ये करना है। सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग करने के लिए मैं आपको 5 चीजें ऐसी बताना चाहता हूं जो आप लोग फॉलो करेंगे, जैसे इन्होंने फॉलो किया उसी चीज को आप लोग भी फॉलो करेंगे। जैसे आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है तो सबसे पहली बात आपको उसका मॉडल पता होना चाहिए, जो मोबाइल फोन जो कस्टमर लेके आए, एक्चुअली कस्टमर को नहीं पता होता कि कौन सा मोबाइल फोन लेके आए, ये बातें सिर्फ आपको पता होती है, तो कस्टमर झूठ भी बोल सकता है कि जैसे रेडमी Y1 लेकर के आया, वो कह देता है Y2 है क्योंकि उसने सेकंड हैंड फोन लिया किसी लिए, झूठ बोल सकता है, गलत कह सकता है, ये बोले MI का फोन है, MI फोन जानता है, वहां की कुछ नहीं जानता, तो इसलिए क्या है कि आप उसकी बातों में ना आए, आप उसके मॉडल को पहचाने, जब मॉडल पहचान में आ जाएगा तो मॉडल से फिर GSM Arena से उसको CPU को पहचाने, जब CPU पहचान जाएंगे तो आपका दिमाग ये खुल जाएगी कि हमको आगे करना क्या है, हमको कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है, फिर आप अपने मोबाइल फोन को कंप्यूटर से कनेक्ट करा के देखें, जब आपका मोबाइल फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं कनेक्ट हो रहा है, जब आपका फोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है तो कनेक्ट होते समय उसका बूट की पता होना चाहिए कि कौन सा बटन दबाएंगे जिससे आपका मोबाइल फोन कनेक्ट होगा, तो बूट की पता होना चाहिए, जब बूट की से आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाएगा फिर उसके बाद तो बाकी सॉफ्टवेयर का कमाल है, फ्लैशिंग करना है तो फाइल को लोड कर देंगे, और अनलॉकिंग करना है तो MI अकाउंट हटा देंगे, फॉर्मेट करना है तो यहाँ से जाकर के आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, FRP कर सकते हैं, सारा फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, ओके करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, सॉफ्टवेयर हो जाएगा, लेकिन आपको ये सारी बातें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करनी है, ये नहीं कि तुमने सॉफ्टवेयर पहले खोल दिया, फोन को बाद में कनेक्ट कराया, CPU तुमने पता किया नहीं, अपने मन से कुछ भी बटन दबा रहे हो, तो ये गलत तरीका है, तो जो हाँ उससे क्या होगा, हमारा मोबाइल फोन किसमें चला जाएगा, हाँ डेड के रिस्क में चला जाएगा, फिर हमको IC को प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो ठीक है आयुष जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने इस मोबाइल फोन को ठीक करके दिखाया, और ये मोबाइल फोन ठीक हो गया, ओके हो गया फर्स्ट क्लास, और इस मोबाइल फोन को हम लोग YouTube से भी देख के नहीं बाईपास कर सकते थे, क्योंकि MI अकाउंट को डोंगल अनलॉक टूल इन्हीं के अंदर तोड़ने का ऑप्शन दिया होता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा हुआ है कि कैसे हम लोग मोबाइल फोन में MI अकाउंट को रिमूव करते हैं, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।